फाइनली हम अपने फ्लैट के अंदर हैं इस वक्त। काफ़ी अच्छा फ्लैट है ये, टू बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है और एक रूम में अटैच टॉयलेट और दूसरे में टॉयलेट नहीं है बट एक कॉमन टॉयलेट हॉल पे दिया हुआ है। सो फैमिली के लिए अगर आप एक तीन चार फैमिली आते हैं तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे हियर। आप भी जब यहाँ आएँ तो यू कैन आस्क मिस्टर मामून और आपको एक अच्छा ऑप्शन वो दे सकते हैं। दिस इज़ अ गुड डिसेंट प्लेस यहाँ हंसिक में, तो घर से बाहर घर की कमी आपको महसूस नहीं होगी। एवरीथिंग इज़ वर्किंग हियर, एसी एंड आपका फ्रिज को गैस स्टोव ऑल दैट। सो यू कैन सी किचन में ऑलरेडी काम चल रहा है। बड़े भाई और हमारे सूरज भाई वाली भाभी है, चल रहा है कुकिंग इनका। तो आइए इनसे बात करते हैं। बाटी के साथ खाने लाए झनाडेदार दाल, झनाडेदार। आप इसका कलर देखिए, तड़के का क्या तड़का लगाया, मारवाड़ी स्टाइल में बिल्कुल। वाह, अभी ये जो खाएगा उसको सुबह पता चलेगा। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने दाल बाटी का जो कार्यक्रम किया था तो बड़े भाइयों के हाथों वो बना था। आज भाभी भी है हमारे साथ हैं, ये हमारे सूरज भाई वाली भाभी हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। और भाभी क्या बना रहे हो आप? बस बच्चों के लिए दाल बना रहे हैं। ये बच्चों के लिए दाल बना रही हैं, अच्छा, वेरी गुड। और बड़े भाई यहाँ भी दाल बना रहे हैं। बाटी का कार्यक्रम हम बाहर करने वाले हैं सर, बारबेक्यू में, तो वहाँ बारबेक्यू में अभी जो है दाल बनेगी और यहाँ हॉल में बच्चा पार्टी जो है अपना एंजॉय कर रही है। सो दो ज़्यादा टू बेडरूम्स हियर, वन एंड टू, एंड दिस इज द किचन। सो एज यू कैन सी वर्क इज गोइंग ऑन। ये हमारे सूरज भाई हैं, इनकी वाली भाभी को अभी हमने अंदर देखा, तो सूरज भाई आज हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। सूरज भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा अभी तक? बस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, बस वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, वो हमने मिस्टर मामून को बोला भी कि वाईफाई आके ठीक करो, तो अभी तक तो वो पहुँच नहीं पाए हैं। वाईफाई का केबल ही नहीं है, केबल ही नहीं, तो दैट्स अ इशू। और जो हालांकि टीवी पे ये दिख रहा है कि हम सर्च करेंगे, पहले वाईफाई रहेगा उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई एक्चुअली। हम यहाँ जब आए तो हमने ये चेक नहीं किया कि वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट द वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। और अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा वो एक मज़ा नहीं आ रहा। बट लेट अस सी, मिस्टर केयर टेकर को बुलाया है, ही विल कम एंड डू द नीडफुल, सो स्टे ट्यून्ड। शेफ स्पेशल, एक नंबर। वाओ, चलिए हमारी आज की जो धमाकेदार दाल पास हो गई मास्टर शेफ बड़े भाई के द्वारा। नेक्स्ट तैयारी हम करने वाले हैं अपनी बाटी की, तो उसके लिए बाहर जो है सिगड़ी वगैरह बारबेक्यू लगाने की तैयारी शुरू करते हैं और मिलते हैं वहाँ पर। बड़े भाई मास्टर शेफ ने तैयारी शुरू करी है और बारबेक्यू के लिए अब अग्नि प्रज्वलन का काम समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं धीरे धीरे, पहले आग सुलग जावे। यहाँ बाहर अब माहौल अच्छा हो रखा है ना सर? जब आए थे अपन तो बहुत गर्म था, अभी हवा चल रही है मस्त वाली, अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडा है। सूरज भाई भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं हमको, और बाहर का मैं आपको अभी वातावरण थोड़ा दिखाता हूँ। रात्रिकालीन में लाइटों के समूह के बीच में ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है। ये वहाँ सामने समुद्र है जिसके हम रात में वॉक करने जाएंगे, जब देखेंगे कैसा दिखता है। एंड मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने का प्लान है, लेट अस सी हाउ इट गोस। और ये वो जगह है, ये हमारी स्पॉट है, सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर बारबेक्यू। बाटी बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोग्रेस पे है, तो अभी घर की सभी महिलाएं जो हैं बाटी बना रही हैं। चपटी बाटियां सीखती जल्दी हैं, इसलिए इसको आज थोड़ा ज़्यादा चपटा बनाया गया है।
दादू मारेंगे। बाटी सीखने का कार्यक्रम जो है बाहर चल रहा है, कैट को मारो, बड़े भैया के द्वारा अंदर से सिक की लाई गई बाटी, सॉरी बेल की लाई गई बाटी जो है यहाँ सिक रही है धीमी धीमी आंच में, सिगड़ी में। और हमारे मास्टर शेफ इन प्रोग्रेस साथ में, आज सूरज भाई साथ देते हुए, ऑडियंस इधर है। यस, आज के ऑडियंस आप स्वयं हैं और छोटे बच्चे हमारे अपने खेल में मगन। बाटियां बन चुकी हैं और अब खाना खाने हम बैठ चुके हैं, और ये सामने जो ये रखा है ये रायता है और इसमें दाल है, ये बाटी है और बाकी सामग्रियां अभी लगती हुई, खाने की पूरी सामग्री, इसका आदान प्रदान चल रहा है। दाल, बाटी, सैलेड, थाली सज चुकी है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द फूड। ये देखिए आप, सारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे है एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। बड़े भाई एक नंबर। दाल बाटी खाते समय कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सो सारे डिस्टरबेंसेस क्लोज एंड लेट अस फिनिश आवर फूड। रायता डिपार्टमेंट इज हियर। खाना खाने के बाद फिर पूरा परिवार थोड़े वॉक के लिए निकल गया। ये हासिक में ये अपने जहाँ फ्लैट है हमारा, उसके पीछे ये समुंदर जो मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ये कि वॉकवे है। इसमें हमारा पूरा परिवार, मैं, बड़े भाई और बाकी पूरे परिवार वाले, हमने छोटी सी एक वॉक ली। खाना खाने के बाद में थोड़ा एक, और ख़ासकर दाल बाटी खाने के बाद तो वॉक की ज़रूरत थी ही, सो हमने सोचा एक बढ़िया सी वॉक भी हो जाएगी, खाना भी पच जाएगा। कल मिलते हैं, थैंक यू।